सो यो व्हाट्स अप ब्यूटी फैमिली, तो स्वागत है आपका बैक बेंचर्स ब्लॉग में, जहां आपको हर एक प्रकार के कंटेंट मिलेंगे। तो नाम बैक बेंचर्स ब्लॉग है, तो ये सोचना मत कि ब्लॉग बस डालेंगे। यहां पे आपको पॉडकास्ट सब मिलेगा, प्रैंक रैंक सब मिलेगा, और आपको मिलाता हूं मैं आपके मेरे नए दोस्त से। तो ये है हमारी चैनल का नया एडिटर, बेशक अभी एडिटिंग मैं ही करूँगा, पर थोड़े दिन बाद ये एडिटिंग चालू कर देगा। और ये शायर भी है हमारे उस चैनल का। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, चाबी जहाँ भी होगी दुख जा दे रहा हूँ ना। ये भाई ये सार्थक ने फेंका था अभी, ठीक है, सार्थक वही सृष्टि अपना, तो सार्थक ने फेंका था ये। और ये है माउंटेन ड्यू डरी राम राम मतलब सॉरी राम है, ठीक है। और इसको फेंक देता हूँ मैं हाले। ये देखिए इसने फेंका था, ये पिंक शर्ट पिंक टी शर्ट वाला ने उसने ये फेंका था, माउंटेन ड्यू बोलते हैं इसको हमारे लैंग्वेज में, माउंटेन ड्यू मतलब, और बाकी बड़ों के लैंग्वेज में रम बोलते हैं। डर की माँ की चूत और ठंडी की भी माँ की चूत होती है इसमें। गाली नहीं देना था आज, गाली नहीं देना था, लेकिन एक दो गाली चलती हैं वो, उसको थोड़ा एडिटर साहब उसको थोड़ा वो कर देना, ट्यून में कर देना। मैं आपकी जिंदगी तो ब्राइट नहीं कर सकता, पर इंस्टाग्राम चेक करना, HARRSSHI 5 बार T लगा देना, एस्थेटिक का 14 मिल जाएगा आपको। तो चलो उधर चलते हैं अभी। अरे चाबी तो दे मेरा ड्राइवर, अरे सॉरी चाबी देना भूल गया ड्राइवर को। और जी ड्राइवर साहब चाबी लो, ड्राइवर प्लस एडिटर प्लस शायर है मेरे चैनल का, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पर्सनल ड्राइवर है, पर अभी पैसे नहीं लेता है, बहुत अच्छा ड्राइवर है, पैसे नहीं लेता अभी, बाद में पैसे देंगे तो फेमस होंगे। और देखिए अभी हमारे कई एस्थेटिक के फोटो भी मिलाते हैं आपको, एक काला वो कल देखा था आपको, एक काला मोटा भालू अपना, एक भालू है और एक पोलार बियर है, एक नॉर्थ वाला भालू है, एक साउथ वाला भालू है, एक काला है एक गोरा है। ये इसकी गाड़ी है, गरीब पहली बार गाड़ी लेके आए। मैं रिपोर्ट मार दूंगा तेरी वो आईडी। तू रिपोर्ट मारेगा साले, तू तो ब्लॉग में आता है, तू कैसे रिपोर्ट मारेगा। एक ये है एस्थेटिक का 14, थैंक यू। और एक ये है अपना, पर आज तक इसकी आईडी तुम खोल के देखोगे, ठीक है, आईडी खोल के देखना। ये इसकी सार्थक से पलानी 14 है, इसका ठीक ठाक मिलेगी आपको पोस्ट, लेकिन इसकी पोस्ट ही नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि काला है ना भाई, अब दिखाई नहीं देता तो मजबूरी है, काला है दिखाई नहीं देता मजबूरी है, ठीक है। लेकिन तू तेरी पोस्ट डलती है लेकिन तू दिखता नहीं है सबको, ठीक है, क्योंकि ये काला है ना भाई, अब इससे भी काला एक है, लेकिन वो थोड़ा बहुत दिख जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत एडिट कर देते हैं हम लोग, इसलिए ये अपने आप हंसे जा रहा है, मालूम नहीं क्यों। इसकी वाली का 5 बजे मैसेज आएगा गाइस, सबको दिखाएंगे हम मैसेज, 5 बजे मैसेज आएगा। यही है वो माउंटेन ड्यू जो मैकडोनल्ड्स वाली जो राम आती है ना, वो यही पीता है। गाइस मैंने शायरी सुनाया है, गौर से सुनिएगा, अर्ज किया है सब बाबा है बाबा हारो भूल गया यार, बहुत कच्चे शायर हैं अभी, थोड़े नए चल रहे हैं, रुक जा। और अभी जो शॉर्ट्स में मीम डली थी वो भाई, ये भाई किए थैंक यू, ये भाई के पास है नहीं तो इमोशनल डैमेज हो गया था इनका। और आपका बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ 34 बहुत बड़ा सपोर्ट किया आपने इसको 34 व्यूज के साथ, और 34 के हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। शायरी पेश करेंगे आपकी, नहीं करेंगे? याद कर रहा हूँ, याद कर रहे हैं भाई साहब, अभी कल तक याद हो जाएगा, कल तक याद हो जाएगी। ये इनका बर्थडे आ रहा है 15 मार्च को, और इनकी नहीं बहन के दौरे 15 मार्च को आ रहा है, बहन के दौरे 15 अप्रैल को आ रहा है, इनकी वाली का 9 मार्च को आ रहा है, तो पहले 9 मार्च को पार्टी ले लेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी मैं सिंगल हूँ अभी, बाकी मेरी थी मैं अभी सिंगल हूँ, लेकिन 15 अगस्त और भाई अर्ज किया है, मुंह में लोगे क्या? लोगे बता दो, ये देगा आपको ये। अरे कल तो इमोशनल डैमेज हो गया, कल तो इसका इमोशनल डैमेज हो गया था, और ये इसने तो शॉर्पनर से काट लिया था। आप बच्चे, आप मैं हिंदू हूँ शायरी बोलेंगे, आप बोल पाएंगे? ऑडियंस है हमारी शरारती, ऑडियंस अर्ज किया है, सुनिए मेरी वाली का बर्थडे कब आता है? 9 को, हां 9 जून 9 मार्च हां देखो ऑडियंस है हमारी शरारती, ऑडियंस है हमारी शरारती, ऑडियंस है हमारी शरारती, बाबा पार्टी ले रहे आ जाना। देखो जब मैं शायरी बनाता हूँ ना दिमाग में एक नंबर रहती है, लेकिन जब बोलता हूँ तो छुट जाती है। क्या शायरी? अच्छा शायरी,
तो ये शायरी की ही चोट। और देखो अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम जा रहे हैं शायद महाबलीपुरम जा रहे हैं, महाबली हनुमान मंदिर जा रहे हैं, तो हनुमान मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। अभी चल रहे हैं हम, अभी आ गए हम छतरपुर। हमारा एक दोस्त यहाँ रहता है और एक ये है सिटी वाले। अरे साथ में चलना। तो मंदिर पहुँच के दिखा दें, क्योंकि अपने यहाँ गाँव है, गाँव में हमारी बोलते हैं, यहाँ वाले पकड़ के मार देंगे, कुछ नहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये बाय बाय। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग, हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं। मंदिर है हमारे पीछे, ये मंदिर है, दो चलते हैं मंदिर। दो मिनट उनको आ जाने दीजिए। और गाइस हाँ लोग बहुत प्यारा दिख रहा है। आ गए इन लोग, बहुत धीरे चलाते हैं गाड़ी, माइलेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अबे ओ चलो गाइस, तो पहले उधर चलते हैं। तो गाइस अगली बार हम जाएंगे वाली पहाड़ी में, हमारा गोल यही रहेगा। ले पकड़ा दे। तो गाइस अगली बार हम नेक्स्ट पहाड़ी में जाएंगे, अभी तो यहाँ पे आ रहे हैं, अभी मंदिर नहीं जा रहे हैं फिलहाल। इन लोग फोटो शूट के लिए बुला रहे हैं, बोल रहा हूँ पहले मंदिर चलते हैं, तो बोले पहले फोटो निकालते हैं फिर चलते हैं मंदिर। तो चलो फोटो निकालते निकालते इनको रोस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो गाइस यहाँ पर इसका प्री वेडिंग शूट, ओ मतलब वो प्री बर्थडे शूट चल रहा है। प्री वेडिंग शूट होता है, प्री बर्थडे शूट कर रहे हैं हम। प्री वेडिंग शूट की जगह प्री बर्थडे शूट कर रहे हैं। 15 तारीख को आना है, 15 अप्रैल को, और 9 मार्च को भी आना है। अरे मादर चोदी, बर्थडे सबविश करेंगे। क्रिस साहू, क्रिस आईडी है, मैंने मेंशन स्पैम कर दो कमेंट में, स्पैम कर दो कमेंट में। क्रिस 9 मार्च को जरूर मेंशन करें उसको, हैप्पी बर्थडे करके, और क्योंकि उसकी वाली का बर्थडे। और मेन आईडी में जो मेन आईडी है इंस्टाग्राम की, उसमें मेंशन में मिल जाएगा वो आपको बायो में, तो वहाँ जाके आप उसको मेंशन कर सकते हैं। प्रमोशन करना हल्का तो देखना चाहिए, पूरे गायब हो जाएगा भाई। इतना तो खड़े हो ना तू, उसकी खींच रहा है तेरी ऐसी की मोबाइल टूट जाएगा। गाइस मैंने बताया था ना आपको, इंपोर्ट अफ्रीका से जो इंपोर्टेड करा हुआ बंदर था, उसकी फोटो है हमारे पास, वो दिखाता हूँ मैं आपको। राव की फोटो, बहुत पुरानी फोटो है, राव की फोटो है ये, बहुत पुरानी फोटो है। और गाइस हमें सपोर्ट करिए ताकि हम पैसा कमा पाए और गरीबों में भंडारा करवा सकें। सही में सही बोल रहा है वो। तो गाइस यहाँ पे सभी हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन पहले इनको फोटो खिंचाना है। ये देखिए इतने बड़े भक्त की, इधर गाने चल रहा है हनुमान जी का, बजरंग वाण। जय श्री राम। तो गाइस बहुत जल्दी कमेंट में जय श्री राम जरूर छोड़ें, भंडारा बहुत जल्दी कराएंगे आप। जितने हिंदू लोग हैं वो सब सपोर्ट करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर। तो गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर, तो दिखाते हैं आपको मंदिर का व्यू। ये है कुछ महाबली हनुमान मंदिर। एडिटर साहब पकड़ो, एडिटर साहब दिखाएंगे, एडिटर साहब ने दर्शन कर लिए। तो ये हनुमान जी कुमार संहारा, धूम लपेट लंक को जारा, ला समान लंक जर गई, जय 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 धुन सुरपुर में भई, अपलंब के कारण स्वामी कृपा करो रे अंतर जाए, जय जय लक्ष्मण जी राम जी जी और लक्ष्मण जी हैं। सागर सुर समूह समरथ भट नागर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरी मारू वज्र के कीले, गदा वज्र ले बैरी। इसे संगते हैं और दुर्गा मैया। और गाइस ये सब यहाँ पे, और यहाँ पे एक परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग आते हैं, बहुत इको आएगा यहाँ पे वॉइस का, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब परिक्रमा करने जा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आ रहे हैं दो बंदर, आ रहे हैं हनुमान जी के बंदर, वानर सेना। वानर सेना तो हम लोग आ गए यहाँ पे, और बाकी शायद यहाँ पे ब्लॉग एंड करेंगे हम, या फिर नहीं करेंगे, अभी प्लान बनेगा जो भी है। और वहाँ पे भी एक मंदिर है,
मंदिर नहीं, वो यज्ञ वाला यज्ञ है, भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ पे, मतलब छोटा सा मंदिर है भैरवनाथ का, मैं रूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर है और यहाँ पे यज्ञ करने का कुछ है, यहाँ पे सब आ रहे हैं। तो चाचा जी बताइए अभी हमको सब चीज। हनुमान जी बना दिए, देखो शंकर जी को। हाँ जी है ना। जय श्री राम। दो नहीं भाई, सब पूरे वानर सेना वाले हैं। कृपया करके ब्लॉग बंद करें। हाँ थोड़ी शांति मिले, आप ब्लॉग बंद करते हैं, इसके बाद देखते हैं रात में कंटिन्यू।